बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इनिशियल और फाइनल वैल्यू सीरीज की सेकंड वीडियो है और इस वीडियो में हम प्रॉब्लम नंबर एग्जांपल 8.2 और प्रैक्टिस प्रॉब्लम 8.2 को सॉल्व करेंगे। तो आइए पहले बेसिक जो कि पिछले वीडियो में भी मैंने डिस्कस किया था, एक दफ़ा रिवाइज कर लें। जब हम टाइम की बात करते हैं तो ये टाइम ज़ीरो पर हम खड़े हैं अभी इस वक्त। इससे पहले वाला जो टाइम है वो टी लेस देन ज़ीरो है और उसके बाद के जो टाइम है वो टी ग्रेटर देन ज़ीरो है। अब टी ग्रेटर देन ज़ीरो को भी दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है। एक वो है जहाँ पे सर्किट इन ट्रांजिएंट है, यानी अगर फ़र्ज़ करें कि आपके कैपेसिटर आपको चार्ज कर रहे हैं तो कैपेसिटर ज़ीरो से लेके वो फाइनल वैल्यू तक चार्जिंग प्रोसेस में है, तो इसको ट्रांजिएंट पीरियड कहा जाता है। आमतौर पर जब हम टी ग्रेटर देन ज़ीरो लगते हैं तो इस पीरियड को हम ज़ाहिर करते हैं, लेकिन इसके बाद जब ये सर्किट स्टेबल हो जाए तो उसको हम कहते हैं टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी। इसके साथ दो और टाइम्स हम जिक्र करेंगे। एक ये ज़ीरो लाइन से या टी इज इक्वल टू ज़ीरो से ज़रा सा पहले जो टाइम है उसको हम कहते हैं टी ज़ीरो माइनस, और उसके फौरन बाद यानी ज़ीरो के फौरन बाद जो टाइम है ज़रा सा बाद उसको हम टी ज़ीरो प्लस कहते हैं। अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि इंडक्टर करंट डज नॉट चेंज इंस्टेंटेनियसली, यानी टी ज़ीरो माइनस पे जो इंडक्टर करंट है वो टी ज़ीरो प्लस में भी वही करंट जो है ना वो रहेगी सर्किट में, और इसी तरह जो कैपेसिटर वोल्टेज डज नॉट चेंज इंस्टेंटेनियसली, तो टी ज़ीरो माइनस पे जो कैपेसिटर वोल्टेज है टी ज़ीरो के बाद टी ज़ीरो प्लस पे भी वही वोल्टेज रहेगा उसके वहाँ पे। ये आपने ध्यान में रखना। अब आइए जो हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे इस चैप्टर में उसकी स्ट्रेटजी हम समझते हैं कि इसके आमतौर पे तीन पार्ट दिए जाते हैं। जैसे यहाँ पहला पार्ट है कि हमने आई एल ज़ीरो प्लस मालूम करना है, वी सी ज़ीरो प्लस मालूम करना है और वी आर ज़ीरो प्लस मालूम करना है। तो ज़ाहिर है ये यहाँ पर आप मालूम कर रहे हैं तो ये टी ग्रेटर देन ज़ीरो टाइम पे है। अब इसका तरीका ये होगा कि हम टी लेस देन ज़ीरो पे मालूम कर लेंगे पहले, यानी टी ज़ीरो माइनस पे मालूम कर लेंगे, तो वहाँ पे आई एल भी सेम रहेगा क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि इंडक्टर करंट डज नॉट चेंज, तो जो टी ज़ीरो माइनस पे है इंडक्टर करंट वही टी ज़ीरो प्लस पे भी होगा, और इसी तरह कैपेसिटर वोल्टेज जो है वो जो वी सी ज़ीरो माइनस पे है वही वी सी ज़ीरो प्लस पे है। हाँ, अलबत्ता वी आर ज़ीरो जो है वो डिफरेंट होगा, तो इसको हम और तरीके से इसको निकालेंगे। तो ये पहला पार्ट इस तरह से सॉल्व करेंगे। सेकंड पार्ट में हम वो ट्रांजिएंट पीरियड में होते हैं, तो अभी हमारा सर्किट ट्रांजिएंट पीरियड में है और इस ट्रांजिएंट पीरियड में हमने ये तीन पैरामीटर्स मालूम करना है, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ आई एल यानी डी आई एल प्लस डी टी, इसी तरह डी वी ज़ीरो प्लस डी टी और इसी तरह डी वी आर ज़ीरो प्लस डी टी। तो ये तीन पैरामीटर्स हम यहाँ मालूम करेंगे जबकि सर्किट ट्रांजिएंट में है। और उसके बाद इस सवाल का तीसरा हिस्सा होता है जो ये है कि आई एल इन्फिनिटी और वी सी इन्फिनिटी और वी आर इन्फिनिटी। तो आप इस पीरियड में जबकि सर्किट अब स्टेबलाइज्ड है यानी इंडक्टर शॉर्ट सर्किट हो गया यहाँ पर और कैपेसिटर ओपन सर्किट हो गया, तो आइए इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम पहला एग्ज़ाम्पल को आइए एग्जाम्पल 8.2 को देखते हैं। सवाल का तीन हिस्सा है, ये तीन पैरामीटर्स मालूम करने हैं ए और बी और सी में। तो ए को देखते हैं पहले, आई एल ज़ीरो मालूम करना है, वी सी ज़ीरो प्लस मालूम करना है और वी आर ज़ीरो प्लस मालूम करना। अब जैसे इसे पिछले स्लाइड में मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी कि ये ज़ीरो पॉइंट है, उससे ज़रा से पहले जो है वो टी ज़ीरो माइनस है और ज़रा से बाद टी ज़ीरो प्लस है, और इसकी अहमियत यही है कि टी ज़ीरो माइनस पे जो वैल्यू है इंडक्टर करंट के या कैपेसिटर वोल्टेज, टी ज़ीरो प्लस पे भी वही वैल्यू रहेगी। तो इसलिए हम इसको इस्तेमाल करेंगे इस लिंक को। तो सबसे पहले हम जाते हैं टी लेस देन ज़ीरो पे। अब टी लेस देन ज़ीरो पे ये सर्किट काफ़ी देर से टी लेस देन ज़ीरो पे है, तो ये स्टडी स्टेट कंडीशन है, स्टेबल है सर्किट। तो इसका मतलब ये हुआ कि कैपेसिटर शॉर्ट ओपन सर्किट हो जाएगा और इंडक्टर शॉर्ट सर्किट है।
और एक चीज और हमने देखना है कि ये जो 3UT है इसका क्या मतलब है, तो इसको हम समझ लेते हैं। मैंने पहले भी ये बताने की कोशिश की है कई वीडियोस में कि यूटी आप देखिए इस तरह से है कि आप टी ज़ीरो से पहले इसकी वैल्यू ज़ीरो है और टी ज़ीरो के बाद इसके वैल्यू वन है। तो जब आप 3UT लिखते हैं और टी लेस देन ज़ीरो का मतलब है कि आप ज़ीरो से इसको मल्टीप्लाई करें, तो 3 × UT 0 है, तो 3 × 0 इज इक्वल टू 0। तो ये वोल्टेज करंट सर्किट जो है या करंट ये 0 है फॉर टी लेस देन 0 और टी ग्रेटर देन 0 पे फिर ये 3 × 1 तो 3 हो जाएगा। तो आइए अब हम सर्किट को ड्रॉ करते हैं। ये टी लेस देन 0 पे ये सर्किट है कि करंट सोर्स को हमने ओपन कर दिया, 0 करने के लिए करंट सोर्स को ओपन करते हैं, कैपेसिटर को हमने ओपन कर दिया और इंडक्टर को शॉर्ट कर दिया। तो ये स्टडी स्टेट सर्किट है। अब इस सर्किट में हम पहले मालूम करते हैं IL। अब देखिए ये वोल्टेज सोर्स है, ये कहीं से भी रास्ता मुकम्मल नहीं कर पा रही ये सोर्स, तो इसलिए कोई करंट फ्लो नहीं है। तो हम डायरेक्टली सर्किट से हम ये कह सकते हैं कि IL इज इक्वल टू 0। तो IL 0 माइनस इज इक्वल टू 0, ये आ गया हमारे पास। अच्छा, उसके बाद अब हम VC 0 माइनस मालूम करेंगे। तो उसके लिए आसान तरीका ये कि हम इस सर्किट को अलहदा से देख लें। अगर बाज़ स्टूडेंट्स को परेशानी होती है इसको मालूम करने को, तो आप इसको अलहदा से देख लें और KVL इक्वेशन लिखें। तो यहाँ से हम चलेंगे तो -20 -VC और इधर कुछ नहीं है, इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है कि VC इज इक्वल, VC को इधर ले आएंगे, VC 0 माइनस इज इक्वल टू -20। तो VC 0 माइनस आ गया, -20। अब आ जाते हैं VR पे, ये VR है। तो इसमें भी चूंकि कोई करंट यहाँ से फ्लो ही नहीं कर रही इस सर्किट के अंदर, तो VR जो है वो भी 0 है, तो VR 0। तो ये हमारा ये टी लेस देन 0 पे हमने मालूम कर लिया। अब हम आते हैं टी ग्रेटर देन 0 पे। तो टी ग्रेटर देन 0 पे ये हम इस्तेमाल करेंगे, यानी ये सर्किट जो है हमारा टी 3 हो गया। यहाँ से 3UT इज इक्वल टू 3, और चूँकि अब ट्रांजिएंट पीरियड है तो कैपेसिटर और इंडक्टर ये शॉर्ट या ओपन नहीं होंगे, उसी तरह ही हमने उसको रखना है ट्रांजिएंट पीरियड पे। और एक चीज़ जो हमने अभी पिछले उसमें जिक्र किया था वीडियो में कि इंडक्टर करंट और कैपेसिटर वोल्टेज डज नॉट चेंज, तो इसका मतलब ये है कि IL 0 पॉजिटिव इज इक्वल टू IL 0 नेगेटिव, और ये हमने मालूम किया था कि 0 के बराबर है, तो ये इसके बराबर होगी, यानी IL 0 पॉजिटिव 0 के बराबर है। इसी तरह VC 0 पॉजिटिव इज इक्वल टू VC 0 नेगेटिव, और ये हमने मालूम कर लिया था -20। तो ये दोनों टर्म्स तो आ गए हमारे पास, ये दोनों। अब VR में डेफिनेटली तब्दीली होगी, क्योंकि ये तो जो ही आपने स्विच कंडीशन चेंज किया तो उसमें से करंट फ्लो शुरू हो जाएगी। तो अब उसको मालूम करने का तरीका क्या है, यानी हमने यहाँ पे वोल्टेज जो है वो मालूम करना है। तो आइए देखते हैं हम कैसे इसको करते हैं। तो ये देखते हैं कि अब VR 0 हम कैसे मालूम करेंगे। ये हमारे पास सर्किट है, अगर सर्किट को आप गौर से देखें तो ये लूप जो है ये इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे VR भी है और बाकी चीज़ें भी है, VC भी है, ये भी है, ये 4 ओम के एक रेजिस्टेंस है, इसके क्रॉस जो वोल्टेज वो तो दिया हुआ नहीं, हम इसको नाम दे देते हैं V0। तो उसके बाद हम इस लूप या मैश इक्वेशन यहाँ पर लिख लेंगे। तो ये इसको हमने V0 कह दिया जो 4 ओम की वोल्टेज है, और उसके बाद KVL हम इस कोने से चल रहे हैं, तो -VR, अब ये सबके साथ 0 प्लस लिखेंगे, -VR प्लस V0 प्लस VC और ये +20 इक्वल टू 0। अब ये हमें मालूम था, हमने पिछले स्लाइड में VC 0 प्लस जो है वो -20 है,
तो माइनस 20 अगर हमने यहाँ लिख दिया तो ये माइनस 20 और प्लस 20 से ये ज़ीरो हो गया, तो ये टर्म हमारे पास आ गया। तो यहाँ से अब एक रिलेशन हमें ये आ गया कि वी आर ज़ीरो प्लस इज इक्वल टू वी ज़ीरो प्लस। अभी हमें वी आर ज़ीरो की वैल्यू मालूम करना है, तो अब उसके लिए हम क्या कर सकते हैं आइए देखते हैं। हम नोड ए पे केसीएल अगर लिखें, ये नोड ए है, यहाँ पे एक करंट ये है, एक करंट ये है और एक करंट ये है, तो ये 3 एम्पेयर एंट्रिंग है। तो 3 इज इक्वल टू ये करंट वी ए, इस वोल्टेज को हम वी ए कह रहे हैं, तो वी ए डिवाइडेड बाई 2, तो ये करंट आ गया और ये आ गया वी ए माइनस वी बी डिवाइडेड बाई 4। तो ये एक केसीएल इक्वेशन यहाँ से हमें मुकम्मल हो गया। अब वी ए जो है वही वी आर भी है, तो हम उसको इन टर्म्स ऑफ वी आर लिख लेते हैं और इसको इन टर्म्स ऑफ वी ज़ीरो लिख लेते हैं। और यहाँ से हमने ये मालूम कर लिया था कि वी ज़ीरो वी आर के बराबर है, तो यहाँ से वी ज़ीरो के जगह पे हम वी आर लिख देंगे। तो यहाँ से अब हम वी आर आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर आप इन दोनों को ऐड कर लें एलसीएम लेके, तो वी आर ज़ीरो प्लस जो है वो 4 वोल्ट आ गया। तो अब हमारे ये तीनों टर्म्स जो हमारे क्वेश्चन नंबर ए में चाहिए थे वो हमारे पास आ गए, और इसी तरह वी ज़ीरो प्लस भी ज़ाहिर है 4 वोल्ट ही होगा। तो ये हमारे पहले टर्म्स के 3 जो रिक्वायर्ड पैरामीटर्स थे वो हमने मालूम कर लिए। आई एल ज़ीरो ज़ीरो है, वी सी ज़ीरो जो है माइनस 20 है, और वी आर ज़ीरो प्लस जो है वो 4 वोल्ट है। अब आइए हम बी पार्ट के, तो बी पार्ट में हमने डी आई डी टी टर्म्स मालूम करने हैं, और ये हमने पहले मालूम कर लिया था, तो अपने रेफरेंस के लिए हम यहाँ पे इसको लिख लेते हैं। तो सबसे पहले डी आई डी टी मालूम करना है। अब हमें ये पता है कि वी एल इज इक्वल टू एल डी आई डी टी, तो हम उसको इस्तेमाल करेंगे। वी एल इज इक्वल टू एल डी आई डी टी, तो डी आई एल डी टी जो है वो वी एल ओवर एल हो गया, तो ये आ गया। अब वी एल ज़ीरो कितना है ये मालूम करना है, और उसके लिए ये देखिए यहाँ पे है वी एल ज़ीरो, तो उसके लिए अब हम इस लूप को यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमने के वी एल इक्वेशन लिखना है, तो अब यहाँ से हम चलेंगे तो माइनस 20 माइनस वी सी और प्लस वी एल इक्वल टू ज़ीरो, तो वी एल हो गया वी सी प्लस 20, और वी सी हमने मालूम किया था यहाँ पे, देखिए वी सी माइनस 20 के बराबर है, तो माइनस 20 लिख दिया तो ये ज़ीरो हो गया, यानी वी एल ज़ीरो हो गया। तो अब अगर वी एल ज़ीरो है तो डी आई डी टी जो है वो भी ज़ीरो हो जाएगा, ये ज़ीरो हो गया डिवाइडेड बाई एल, तो ये ज़ीरो के बराबर हो गया, तो ये पहले वाला आ गया। अब हम चलते हैं डी वी सी डी टी पे, तो ये मालूम करना है। अब यहाँ पे भी आप देखें तो हमारे पास या तो हम इस लूप को लेंगे या हम इस मैश को लेंगे, तो आसान थे। अब ये चूंकि हमें पता है कि इसका एक्चुअल फार्मूला क्या होता है कि सी डी वी डी टी इज इक्वल टू आई सी, तो यहाँ से डी वी डी टी इज इक्वल टू आई सी बाई सी, तो हमें आई सी चाहिए, तो हम इसलिए इस आई सी को मालूम करेंगे। और आई सी के लिए हम यहाँ से नोड बी पे के सी एल इक्वेशन लिख लेंगे, तो के सी एल इक्वेशन हमने नोड बी पे लिखना है। इनकमिंग करंट कहाँ से, यहाँ से, यानी वी ज़ीरो प्लस डिवाइडेड बाई 4, और आउटगोइंग आई सी है और आई एल है। अब देखिए वैल्यूज हमें पता है, वी ज़ीरो जो है वो 4 है और आई एल वो 0 है, तो ये वैल्यूज हमने पुट कर लिया, तो हमें आई सी 1 एम्पेयर आ गया। अब हम वापस इस फार्मूले में जाएंगे, तो डी वी डी टी जो है वो आई सी ओवर सी, आई हमने यहाँ से 1 एम्पेयर निकाल लिया 1, और सी की वैल्यू 0.5 है, तो ये 2 वोल्ट पर सेकेंड डी वी सी डी टी आ गया। अब एक रहता है डी वी आर डी टी,
तो अब डी वी आर डी टी कैसे मालूम करेंगे? अब उसके लिए भी हमने ये देखी, यहाँ पे वी आर है तो हम इसको इस्तेमाल करना है, हमने बेस्ट है कि हम यहाँ से के वी एल ले लें इस मैश के। तो के वी एल इक्वेशन हमने लिख लिया, माइनस वी आर प्लस वी नॉट प्लस वी सी और प्लस 20। यहाँ से वी आर को एक साइड पे हम ले गए। अब देखिए, अब इनको हम इन टर्म्स ऑफ वैल्यूज अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करें इसको पूरे को, तो क्या हो गया, डी वी आर डी टी यहाँ से आ गया, डी वी ज़ीरो डी टी आ गया, और डी ये डी वी ज़ीरो डी टी इधर लिख लिया है और डी वी सी डी टी यहाँ पे लिख लिया। अब इनमें देखिए, हमने मालूम किया था डी वी सी डी टी जो है ये 2 है, तो हमने यहाँ पे उसको लिख दिया। अब डी वी ज़ीरो डी टी पहले हमें मालूम करना ज़रूरी है, तो हम यहाँ पे अब के सी एल इसी नोड पे लगाएंगे, के सी एल 3 एम्पेयर करंट कमिंग, ये वी आर या आई आर करंट और ये इसमें से जो करंट है, तो ये हो गया वी आर डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ पे आ गया वी ज़ीरो डिवाइडेड बाई 4 और 3 एम्पेयर एंटरिंग है। तो इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये आ गया, और इसकी भी डेरिवेशन हमने ले लेनी है इस टर्म के यहाँ से। तो पहला कांस्टेंट 0 हो गया, तो ये दोनों टर्म्स हमारे पास आ गए। यहाँ से हमें डी वी ज़ीरो डी टी आ गया, माइनस 2 ये वैल्यू आ गया। अब इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो इस वैल्यू को हमने यहाँ पुट कर दिया और इन दोनों को एक साइड पे ले गए, सॉल्व किया तो ये 2/3 वोल्ट पर सेकेंड आ गया। तो ये पार्ट 2 ऑल दो बहुत डिफ़िकल्ट है थोड़ा सा, लेकिन आप एहतियात से करेंगे, गौर से करेंगे तो ये आसान हो जाएगा। तो ये पार्ट 2 आ गया, पार्ट बी आ गया हमारे पास। अब आ जाते हैं पार्ट सी में, यहाँ पे हमने इनफाइनाइट टर्म्स मालूम करने हैं, आई एल इन्फिनिटी, वी सी इन्फिनिटी और वी आर इन्फिनिटी। तो टी इन्फिनिटी पे जो सर्किट है वो स्टडी स्टेट में आ गया, यानी इसमें कैपेसिटर ओपन हो गया यहाँ पे और इंडक्टर शॉर्ट सर्किट। तो अब इस सर्किट को हम लेके चलेंगे, तो सबसे पहले आई एल इन्फिनिटी। अब आई एल इन्फिनिटी देखिए, ये हमारा सोर्स है, एक करंट का रास्ता ये है यहाँ से है और एक रास्ता इधर से ये है। हमने राइट वाले लूप में करंट मालूम करना है, तो बाई करंट डिवीजन रूल, ये सोर्स है 3 डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस यानी 2+4 और मल्टीप्लाई बाई ऑपोजिट आर्म। चूँकि हम इस आर्म में मालूम करना चाह रहे हैं तो ऑपोजिट आर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 1 एम्पेयर करंट हो गया, ये हमारा आई एल इन्फिनिटी। उसके बाद हमने वी सी इन्फिनिटी मालूम करना है। आसान तरीका ये है कि आप इस लूप इक्वेशन को लिख लें, यहाँ से अगर हम चलेंगे के वी एल तो -20 -20, फिर ये माइनस साइन है तो माइनस वी सी इन्फिनिटी इक्वल टू 0 आ गया, और कोई ड्रॉप नहीं है किसी चीज़ में, इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें वी सी इन्फिनिटी -20 आ गया। और अब थर्ड टर्म जो है वह है ये वी आर इन्फिनिटी मालूम करना है। तो इसके लिए हम पहले आई आर इन्फिनिटी करंट इसमें से मालूम कर लेते हैं, तो यही सोर्स है, अब हम इसमें करंट मालूम करना चाह रहे हैं, तो 3 डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाई ऑपोजिट आर्म। तो इसके लिए ऑपोजिट आर्म ये है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 एम्पेयर करंट आ गया। अब 2 एम्पेयर मल्टीप्लाइड बाई 2 ओम, तो ये 4 वोल्ट जो है ये हमारा वी आर इन्फिनिटी आ गया। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि ये सवाल किस तरह से करते हैं। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन एक आप प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आसान हो जाएगा। तो पार्ट बी जो है यह हम प्रैक्टिस प्रॉब्लम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ऑलरेडी ये काफ़ी लंबा हो गया। थैंक यू।